Good morning, class 6th. So, students, we have completed our chapter number 1st in the previous class, and in this class, we are going to start a new chapter, which is chapter number 2, as you can see in the left-hand side. And the name of this chapter is Diversity and Discrimination, and this chapter is related to a civics portion. So, let's start with our today's topic. सो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू यू हैव टू कम टू पेज नंबर 188 फॉर दिस टॉपिक. सो डाइवर्सिटी होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1st का नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. ये उसी का एक्सटेंशन है. पढ़ चुके थे डाइवर्सिटी क्या होती है, आपके इंडिया में किस किस तरीके की डाइवर्सिटी फैली हुई है. हम लोगों ने केरला और तमिलनाडु का एग्जाम्पल भी देख लिया था, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने देख लिया था डाइवर्सिटी होने के बाद भी किस तरीके से यूनिटी है इंडिया में, इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है. फिर उसके बाद हम लोग हमारे चैप्टर की तरफ बढ़े हैं. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट को रीड कर देती हूँ, दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू ऑलरेडी. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिटी. पिछले क्लास में हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, नेचर पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी, फर्स्ट लाइन डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से उसके वेरियस लेवल्स हैं. डाइवर्सिटी होने के बावजूद या होने के बाद भी किस तरीके से इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन फैले हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर. हम ये भी देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू टू रिमूव इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन अ सोसाइटी. पर्पस क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी बातें लिस्टेड हैं कि ना तो इनइक्वालिटी की जाएगी किसी के साथ, न ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. और इसका पर्पस क्या है, सोशली और इकोनॉमिकली सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, जस्टिस होनी चाहिए. तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इन फैक्ट इट पर्पस इज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल. सभी एक दूसरे के साथ बराबर प्रेम सद्भावना के साथ रहें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. बट ऐसा क्या सच में होता है, दैट वी विल डिस्कस. सो हमारा पहला पॉइंट है डिफरेंस एंड प्रिजुडाइस. नाउ इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है. बहुत सारी कल्चर का मिक्सचर है, रिलीजन का मिक्सचर है, रीजन का मिक्सचर है. तो अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड लाइन येलो कलर पोर्शन, 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है बाय इंडियंस, जिसमें से बोलियाँ जिसे आप बोलोगे, और जिसमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर. द लाइट ब्लू कलर पोर्शन ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया के अंदर एक तरीके से हमारे फॉलोअर्स हैं, वी हैव फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग वेरियस टाइप के डिशेस खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं वेरी फेस्टिवल्स, पुट ऑन सेवरल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, जैसे गुजराती हो गए, राजस्थानी हो गए, पंजाबी हो गए, बहुत सारी ऐसी, नाम बस बोलते जाएंगे, कमी नहीं आएगी इनके अंदर. सो बहुत सारे ड्रेसेस भी है इंडिया के अंदर. अब यहाँ ये बात आ जाती है बाय नेचर, बट अनफॉर्चुनेटली द सेकेंड लास्ट लाइन, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट ऑलवेज रेस्पेक्ट टू टॉलरेट डाइवर्सिटी. हर बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि ये जो विभिन्नताएँ हैं उनको एक तरीके से टॉलरेट किया जाता है. बाय नेचर, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, बाय नेचर मोस्ट ऑफ अस फील कम्फर्टेबल. सेकेंड लास्ट लाइन आई एम रीडिंग, बाय नेचर most of us feel comfortable with people who eat, dress, talk and behave like we do. अब जब हम हमारे बात करते हैं तो friends भी हमारे वही बनते हैं जो हम जैसे होते हैं. दो opposite जो लोग हैं होता है वो friends होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. पर ऐसा commonly देखा गया है कि जिन लोगों के साथ हमारी बनती है, बनती इन द सेंस कि वो हमारे जैसा सोचते हैं, हमारे जैसा उनका बिहेवियर होता है, तभी तो हमारी दोस्ती होती है. एक जैसे लोगों की, अपोजिट लोगों की भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. यहाँ बात की गई है कि हमें वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसा खाना खाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, बातें करते हैं और बिहेव करते हैं. ऑल कैरी सर्टेन नेगेटिव, सॉरी फॉर दिस, वी फील अनकम्फर्टेबल. अब यहाँ एक लाइन आ रही है, मैं यही रीड कर दी हूँ, आपकी बुक के अंदर है. अगर हमें, हमसे अलग कोई मिल जाता है या अनफेमिलियर होता है हमारे साथ, डिसिमिलर नहीं होता, सिमिलैरिटीज नहीं मिलती, तो हम उसके साथ अनकम्फर्टेबल सा फील करने लग जाते हैं. सो क्लास में तभी हमारे सभी दोस्त नहीं होते, हमारे कुछ लोग दोस्त होते हैं, उसमें से भी एक हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है. तो बेस्ट फ्रेंड से इन द सेंस कि उसकी हमारे साथ बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो हम जैसा ही है. नाउ द लास्ट लाइन, वी ऑल कैन
कैरी सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट पीपल फ्रॉम सर्टेन कास्ट. इसी वजह से हम हमारे से अलग जो कास्ट है, जो कम्युनिटीज है, जो रीजन्स है, जो रिलीजन्स है, उन उधर रहने वाले लोगों के खिलाफ एक तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं और ओपिनियन रखते हैं उन दूसरे लोगों के बारे में. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जनरली ऐसा सोचा जाता है कि जो विलेजर्स होते हैं वो डर्टी, इल फेड एंड जो नैरो माइंडेड होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो ब्रॉड नहीं होती है, सुपरस्टिशियस होते हैं, मींस एक तरीके से जादू टोने में विश्वास करने वाले, इन सारी चीज़ों में. तो मैं एक बार फर्स्ट लाइन को वापस से रीड कर देती हूँ कि जनरली हम लोगों ने ऐसा देखा है, वी फेल्ट, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, मेरा ऐसा मानना नहीं है. सो जनरली फील विलेजर्स डर्टी, इल फेड एंड इल क्लोथ, वो साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, इस तरीके से नैरो माइंडेड होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, एट द सेम टाइम डे आर सिंपल एंड ऑनेस्ट, और वो बहुत भोले भी होते हैं, सिंपल उनकी लाइफ स्टाइल होती है. अब मैं पीपल ऑफ टाउन की अगर बात करूँ तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे रख देते हैं, बिकॉज टाउन नीचे बताया गया है और आपका विलेज ऊपर बताया गया है. तो अब देखिए सामने सामने चीज़ें हो जाती है. सो जो शहर में लोग रहने वाले होते हैं वो वेल फेड होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, सॉरी फॉर दिस, एंड एजुकेटेड होते हैं, लिबरल एटीट्यूड एंड बिहेवियर उनका लिबरल है ना, बट मनी माइंडेड होते हैं, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, और नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधी बात नहीं बोलने वाले होते हैं. तो ये हमने चीज़ें देखी हैं दोनों के बारे में, शहर के लोगों के बारे में और गांव के लोगों के बारे में. अब हमने हमारे ओपिनियन बना लिए हैं. लास्ट लाइन, व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, दीज बिकम प्रिजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट देम. तो अगर मैंने अपनी थिंकिंग किसी के बारे में नेगेटिव ही बना रखी है कि मैं बोलूँ ये पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करता, ये तो कंजूस है, पर इसका मतलब ये नहीं है, वो पैसे उधर खर्च करता है जहाँ पर उसे लगता है कि वहाँ खर्च करना वैलिड है, ठीक है, उन्हें हम कंजूस नहीं बोलेंगे ना, समझदारी से पैसे को यूज़ करना या फिर आगे इन फ्यूचर के लिए सेव करना भी बोल सकते हैं. तो हमारी अगर थिंकिंग अगर हम किसी के खिलाफ नेगेटिव रख लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से धारणाएं बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ, जो कि एक तरीके से प्रीजुडाइज कहलाती है. सो हमारी जो थिंकिंग है किसी के बारे में अगर नेगेटिव हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रीजुडाइज. और अगर मैं बोलूँ प्रीजुडाइज का मीनिंग हिंदी में तो उसका जो मतलब है वो है एक तरीके से पूर्व धारणा बना लेना किसी के बारे में. जैसे अगर हम हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट है, वो किसी से बात नहीं करता है, थोड़ा इन्फीरियर रहता है, अपने में रहता है, तो ज़रूरी नहीं है वैसा हो. अगर हम उनसे बात करेंगे तो हो सकता है वो हमारी तरह ही हमारे जैसा निकले, क्योंकि हमने उनसे बात नहीं की, हमने उन्हें समझा नहीं, तो हमने उनके बारे में पहले से धारणा बना ली. नाउ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर 188 में, इस रो का दिस पैराग्राफ. प्रीजुडाइज का मतलब बताया गया है. सो प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. इसका मतलब है कि किसी एक इंसान को जज करना, किस बिहाफ में एक तरीके से हम उसे नेगेटिवली जज कर रहे हैं, सो या फिर उन्हें इन्फीरियर देखना, लो देखना उनको. सो अगर मैं इन्फीरियर की हिंदी बोलूँ तो उसका मतलब है एक तरीके से हीन भावना के तौर पर देखना. सो हम लोगों ने क्या किया, अगले बंदे या फिर सामने जो हमारे इंसान खड़ा है उसको नेगेटिव वे में देखा है. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ, ग्रीन कलर, वी आर जनरली प्रीजुडाइज अगेंस्ट द पीपल हु आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज, दिस इज अनफेयर. अगर जैसे कोई सामने फिजिकली चैलेंज है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है, एंड अगर वो मेंटली चैलेंज है, जैसे मेंटली चैलेंज, हम उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, सोचने समझने की उनमें क्षमता हम जैसी नहीं होती है जो कि नॉर्मल लोग होते हैं. तो यहाँ पर बात की गई है जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं या फिर मेंटली चैलेंज लोग होते हैं, उनके बारे में ना सोच हमारी नेगेटिव होती है. हम लोग पहले से धारणा बना लेते हैं ये कुछ कर नहीं सकता है, इसके बस की कुछ नहीं है, इस तरीके से. पर ये क्या है, अनफेयर है, दिस इज अनफेयर, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड. नाउ गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है, गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड देम विद रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. तो ऐसा होता है कि हम कुछ सीट्स, गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है तो उनके लिए कुछ सीट्स अलग से रख दी जाती है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज़ प्रोवाइडेड देम विद रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन एडिशन टू वेरियस अदर फैसिलिटीज़. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और भी अदर फैसिलिटीज़ उन्हें दी. आप लोग कभी भी किसी भी अगर
किसी भी मार्केट में जाएंगे तो आपको ना दो तरीके के वेज मिलेंगे, एक तो सीढ़ी मिलता है और एक रैंप मिलता है इस तरीके से, ताकि जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं वो, जैसे वो कोई व्हील चेयर पे, तो वो कैसे चढ़ेगा, सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं सकता है, तो रैंप पे चढ़ के वो ऊपर जा सकते हैं। जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ वाले जो हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क पार्क भी बोल सकते हैं हम लोग, तो इन जगहों पर रैंप बनाए जाते हैं। नाउ इन लोगों को येलो कलर पोर्शन में आप देखेंगे, इन लोगों को बोला जाता है पीपल विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स की जिन्हें ज़रूरत है, हम हैंडीकैप वैंडीकैप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। नाउ यहाँ पर दो पिक्चर्स लगाई गई हैं, एक तो फिजिकली हैंडी एंड इस तरीके की साइन लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है, जैसे किसी को सुनने में दिक्कत है तो हम उसके लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये क्या है, पीपल विद स्पेशल नीड्स, इन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत है। नाउ व्हेन वी फील लास्ट पैराग्राफ अ पर्टिकुलर वे और मेथड इज द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डू थिंग्स, वी आर लाइकली टू डिसरेस्पेक्ट अदर हु एक्ट और बिहेव डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रीजुडाइज अगेंस्ट अ पर्सन और कम्युनिटी, अ रीजन और कास्ट और अ रीजन। देखिए यहाँ पर क्या बात आ रही है, जैसे हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये काम इस तरीके से करना सही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना तरीका और हमें बेस्ट लगता है, यही अप्रोप्रिएट है, ऐसे ही काम करना चाहिए, और उस काम को अगर कोई दूसरे तरीके से, कोई दूसरे मेथड से, कोई दूसरे वे से करे तो वो हमें बुरा लग जाता है। जैसे हम लोग हमारे किसी पर्सन के खिलाफ गलत धारणा रख सकते हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ मेरी गलत धारणा है कि ये जो कम्युनिटी है ये अच्छा काम नहीं कर रही है, ये जो कम्युनिटी है ये कभी भी आवाज़ नहीं उठाती है, ये जो कम्युनिटी है, या फिर चलो कम्युनिटी की बात ना करते हुए रिलीजन या रीजन की बात करूँ, इस रीजन के लोग ज़्यादा फिर आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, इस रीजन के लोग चोरी करते हैं, ऐसे ये जो प्री जुड़ाई से, मतलब एक इंसान अगर कोई काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी उस वजह से दोषी ठहराई जा सके, या फिर पूरी कम्युनिटी को आप एक जैसा मान लो, एक इंसान की गलती की सज़ा आप पूरी कम्युनिटी को नहीं दे सकते हो। यहां वही बात है कि आप प्री जुड़ाई से पहले पूर्व धारणा बना लेते हैं उस कम्युनिटी के बारे में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के लास्ट सीरीज की तरफ। स्पीकिंग, अगर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है तो, और वहीं सामने कोई अपनी मदर टंग बोल रहा है, जैसे राजस्थानी बोल रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, उसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। कई लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग को आज भी बोलते हैं और वो फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलते हैं। तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से ना तो कोई सुपीरियर हो जाता है, ना ही कोई एक तरीके से हम किसी को नीचे दिखा सकते हैं। नाउ कॉलेज, सेकेंड पैराग्राफ, कॉलेज प्रीजुडाइस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग दैट देर आर वेरियस सर्कल्स ऑफ फ्रेंड हु डोंट मिक्स अप विद ईच अदर और नेगेटिव इमोशंस विच इज़ गुड नाइदर फॉर अ पर्सन और नॉर फॉर द सोसाइटी एंड नेशंस। देखिए कॉलेज, जैसे हम स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो बहुत हमें कूल लगते हो, जैसे उनकी हेयर स्टाइल हो गई, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनके हेयर स्टाइल से, उनके पास जो गैजेट्स हैं उनसे। यहाँ वही बात आ रही है कि कॉलेज में पूर्व धारणाएं जो बना ली जाती है कि ये बहुत अच्छा है, इसके साथ रहना चाहिए, हमें ये ना बना के हमारी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस हैं। मान लिया कि कई बार हमें केसेस सुनने को मिलते हैं, पहले के टाइम में ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है, लाइक्स की बात करूँ, लाइक्स लेने की होड़ मची रहती थी कि इसको कितने अच्छे लाइक्स मिलेंगे, कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उसके साथ रहना है। तो ये क्या है, ऐसी जो धारणा है ना, ऐसे जो नेगेटिव इमोशंस है, लोग सुसाइड कर लेते थे इन मामलों की वजह से, कई पेपर में न्यूज़ सुनने को मिली है, और ये क्या है, नेगेटिव इमोशंस है, हमें इनको नहीं मन में लाना है। ये क्या करती है, एक इंसान को, एक सोसाइटी को और एक नेशन के अंदर नेगेटिविटी लेके आती है, जो कि बहुत बुरी है किसी नेशन, किसी पर्सन या किसी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए। नाउ द थर्ड पॉइंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये फेवर नहीं करता है, ना तो हमारे एथिक्स करते हैं, ना ही हमारे मॉरल अलाउ करते हैं किसी को भी नीचा दिखाना। लास्ट पैराग्राफ, वी आर टू जज अ पर्सन, हमें किसी इंसान को जज क्या करना चाहिए, उसकी प्योरिटी पे, वो इंडिविजुअल बेसिस पे वो कैसा है। जैसे मैं काले और गोरे की बात करूँ, रंग दो होते हैं, भगवान ने किसी को काला बनाया है, भगवान ने किसी को गोरा बनाया है। काला भी अगर ना बात करें, जो थोड़ा सा दबा हुआ कलर हम जिसे बोलते हैं, तो क्या वो जो कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं वाइट एंड ब्लैक का जो डिफरेंशिएशन है, तो क्या जो काला इंसान या फिर जिसका डल कलर है उसका दिल साफ़ नहीं हो सकता, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा गोरा है उसका दिल एक तरीके से
काला तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम इंसान ही कंपैरेटिवली कंपेयर कर रहे हैं उसकी प्योरिटी के साथ, वो इंडिविजुअल बेसिस पे कैसा है। वहीं अगर कोई वाइट है वो अपने दोस्तों के संग बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, मम्मी पापा के संग बुरा बिहेव कर रहा है, और वहीं जो ब्लैक है वो बहुत ही अच्छा फ्रेंडली एंड नेचर के प्रति अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही अच्छा है, तो क्या हम यहाँ पर प्रीजुडाइज नहीं कर चुके? हमने इनको एक तरीके से इन्फीरियर मानते हुए इनको ज़्यादा बढ़ोतरी दी, मतलब इनका ज़्यादा फेवर किया। तो आपको क्या करना है, प्योरिटी पर इंडिविजुअल बेसिस पर आप उनको जज करिए, जज भी नहीं करिए, आप किसी ने किसी को जज करने का हक नहीं दिया है। लास्ट एक बार रीड कर देती हूँ, वी आर टू जज अ पर्सन प्योरली और इंडिविजुअल बेसिस बींग फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रीजुडाइज। पहले से धारणा नहीं बनाई उन लोगों के लिए, प्रीजुडाइज इज हेल्दी फॉर ऑल, प्रीजुडाइज लेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसयूनिटी। मैं इस लाइन को एक बार अलग कर देती हूँ, यस, प्रीजुडाइज क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन लाता है, डिसयूनिटी लाता है, इसलिए पहले से धारणा ना बनाई जाए किसी के बारे में, ना तो अच्छी बनाई जाए ना ही बुरी बनाई जाए। पहले इंसान को जानिए, देखिए, परखिए एंड देन उनके बारे में कोई धारणा बनानी है तब आप बना सकते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू।